नमस्कार दर्शकों, मैं पिया गुप्ता आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम स्वास्थ्य संजीवनी में। इस कार्यक्रम को आप सभी के सामने लेकर आए हैं इसी उम्मीद के साथ कि आज आपको कुछ खास बातें बताने वाले हैं, स्वास्थ्य को कैसे ठीक रखा जा सकता है, कुछ ऐसे घरेलू उपचार, कुछ ऐसी बातें जो आपके रोगों को दूर कर सकती हैं, रोगों को ठीक कर सकती हैं। ये सारी बातें आज हम जानेंगे फिर से योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से। तरह तरह की दवाइयां लेने के बाद भी जब लाभ नहीं मिलता है तो कैसे योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा आपकी सभी परेशानियों को दूर कर सकती है, इसके बारे में सारी जानकारी आज हमें देने वाले हैं योग एवं प्राकृतिक चिकित्सक अनिल बंसल जी। बिना देर किए सबसे पहले करेंगे बंसल का स्वागत। बंसल जी बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू, नमस्कार। बंसल जी, यूं तो आपके चर्चे जगह जगह होने लगे हैं अब, क्योंकि हम आए दिन देखते हैं आपके कार्यक्रमों में इतने सारे लोग बताते हैं कि उनको किस तरीके से बीमारियों को दूर करने में लाभ मिला है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, ये लोगों का विश्वास है और श्रद्धा है, जो हम अपनी ईमानदारी से पूरी दवाइयाँ बनाते हैं, जो हमारे डॉक्टर है, वैद्य हकीम है, पूरा मतलब एक टीम है, पूरा तो वो अपनी अपनी मेहनत कर रहे हैं और उसी का एक फल है, नतीजा है। अब मेन तो है लोगों के जो विश्वास का, और ये जो हमने वैदिक उपचार किट, जो आपकी बीमारी के अनुसार जो भी आपको बीमारी है उसका पूरा विवरण हमें लिखवाएं, क्या क्या तकलीफ है, तो उसका एक जो ट्रायल पैक हम भेज रहे हैं 1500 रुपये में, और इससे भी लोगों को बहुत अच्छे लाभ मिले। फिर जैसे जैसे आप ठीक होते जाओ अपना पूरा सेट मंगाते जाए। और जो हमने बुध और बृहस्पतिवार को नाड़ी परीक्षण का जो प्रोग्राम रखा है वो भी बहुत अच्छा सफल हो रहा है, जो लोग बहुत दूर दूर से आ रहे हैं। तो बुध और बृहस्पतिवार को जितने भी हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, जितने भी हमारे सेंटर हैं, उस पर आकर अपना नाड़ी परीक्षण भी करा सकते हैं। अगर आप नहीं आ सकते तो पूरी बीमारी का विवरण दे के हमारी संस्था में, पूरी बीमारी का विवरण दे, कब से बीमार हो, क्या क्या दवाइयाँ खा रहे हो, तो उसी के अनुसार वैदिक उपचार जो किट है आपको भेजी जाएगी, वो भी केवल 1500 रुपये में, एक बीमारी का ट्रायल पैक है वो एक तरह से, तो आप आजमा के देखें और फिर आगे बढ़ जाए। दूसरा, हम देखो किसी प्रकार के रोगों को ठीक करने का दावा नहीं करते किसी प्रकार, क्योंकि प्रारब्ध के कारण बीमारी हो जाती है, लेकिन वैदिक उपचार किट आपके हर रोगों को ठीक करने में बहुत ही सहायक सिद्ध होगी और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट भी आ रहे हैं। तो आप इसको मंगाएं, एक बार ट्रायल जरूर करें। मैं तो कह रहा हूँ ट्रायल पैक है, एक बार यूज़ करके देखें, जो आपकी आर्थिक, मानसिक और शारीरिक परेशानियों को दूर करने में कैसे सहायक सिद्ध होता है, ये आप खुद स्वयं देखेंगे और हमें 3 महीने बाद फिर फोन करके बताएं कि मेरे को ये लाभ मिला, ये लाभ मिला, ये लाभ मिला। जी बंसल जी, और दर्शकों, घरेलू उपचार अगर आप जानना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कैसे आप वैदिक उपचार किट को मंगवा सकते हैं और आप अपनी परेशानियों को ठीक कर सकते हैं, तो उसके लिए नंबर्स आपके सामने हैं, नंबर्स पे फटाफट से कॉल कीजिए। और यहाँ पे बंसल जी बार बार आप सभी को बताते हैं कि इस किट को आप मात्र 1500 रुपये में मंगवा सकते हैं। अगर आपने अभी तक नहीं मंगवाया है तो जल्दी से मंगवाइएगा, नंबर्स आपके सामने आपके स्क्रीन पर लगातार फ्लैश कर रहे हैं और बहुत सारे कॉलर्स ऐसे हैं बंसल जी जो आपसे अपनी परेशानियों के बारे में, रोगों के बारे में जानना चाहते हैं। पहली कॉलर जुड़ गई है, पुष्पा जी हैं करनाल से, स्वागत है आपका, बताइएगा। डॉक्टर साहब नमस्कार जी। हाँ नमस्कार पुष्पा जी, बताएं। हाँ जी डॉक्टर साहब, मेरे को ना जब मैं रात को सोती हूँ, जब सुबह उठती हूँ तो मेरे को एड़ी में ना बड़ा दर्द होता, पांव नीचे नहीं रखा जाता, एड़ी में दर्द होता। हाँ, ये कब से है पुष्पा जी? ये मेरे को 2-3 महीने से है डॉक्टर साहब। तो हमारा प्रोग्राम कब से देख रहे हो पुष्पा जी? प्रोग्राम तो हम आपका 3-4 साल से देख रहे हैं जी, आपका हल्दी वाला दूध भी पीते हैं, नखुनों पे तेल भी लगाते हैं और दिया भी जलाया था हमने आपसे, उसका हमें बहुत फायदा हुआ जी। क्या क्या फायदा हुआ? ये थोड़ा तेज आवाज बोले, फोन को मुंह का लगा कर। हाँ जी, वो फायदा तो हमें धन में भी वृद्धि हुई हमारे, और जो घर में मतलब थोड़ा सा टेंशनबाजी थी, मतलब वो भी ठीक, वो भी उसमें भी मतलब फर्क लगा हमें। यानी आपका कहना वैदिक उपचार से आपके जो घर में धंधे में भी बचत आई, घर में कलेश भी खत्म हुआ, यानी जो हम कहते हैं आर्थिक, मानसिक और शारीरिक परेशानियों को दूर करने में सहायक है, तो ये बिल्कुल सच है या नहीं है ये बताओ। हाँ जी बिल्कुल सच है जी, इससे हमें बहुत फर्क पड़ा है जी, जो हम करते हैं ये तो एक घरेलू नुकसान करते हैं जो हल्दी, अब हमें वैसा दूध अच्छा नहीं लगता, हम हल्दी डाल के पीते हैं, उसी की आदत पड़ गई है जी। हाँ नहीं, बहुत अच्छा। ये देखो कैंसर को भी ठीक करने में बहुत ही सहायक सिद्ध होता है, कैंसर होने ही नहीं देता एक बार तो बहुत ही अच्छा। अरे जो एड़ी में दर्द आपको रहता है, इसका पूरा सेट मंगाए, पूरा सेट मंगाए, लग के कोर्स करें, क्योंकि बीमारी जब शरीर में रोग कर जाता है तो उसको निकालना बहुत जरूरी होता है, तो वैदिक उपचार किट में उसका पूरा सेट बना के भेजेंगे और पूरी अपनी बीमारी का विवरण दें, तो आपकी बीमारी के अनुसार ही वैदिक उपचार किट आएगी। मतलब ये नहीं है कि हमने एक चीज़ बना कर रख दी, सबको वही पेल दी, ऐसा नहीं है। जो भी आप बीमारी बताओगे, जैसी भी बीमारी बताओगे, उसी के अनुसार जो हमारे एक्सपर्ट है उसको तैयार करेंगे और आपके नाम पर पूरे उसी के हिसाब से आपको भेजी जाएगी वैदिक उपचार किट। तो इसलिए हमें, मेरा आपसे सबसे नरम निवेदन है कि अपनी पूरी बीमारी का विवरण दे, कब से बीमार हो, घर में कितने आदमी है, क्या क्या है, तो उसी के अनुसार फिर वैदिक उपचार किट आपके ही नाम से, क्योंकि जो मंत्रों उपचार करते हैं हम आपके उससे ही करते हैं, तो उसी के अनुसार आपको भेजी जाएगी जिससे आपको लाभ मिल सके।
जी बंसल जी, तो यहाँ पे दर्शकों आप सभी ने सुन लिया है, बंसल जी आपको बता रहे हैं कि सारी बीमारियों के लिए ये मत सोचिएगा कि एक ही किट आपको दे दी जाएगी। जब तक आप फोन करके हमें नहीं बताएंगे कि आपके शरीर में कौन सी बीमारी है, कौन सी बीमारी ने आपका हाल बेहाल कर रखा है, तो तब तक आपको वैदिक उपचार किट नहीं मिल सकती है, क्योंकि आपकी बीमारी के अनुसार ही इस किट को तैयार किया जाता है। अभी भी सोच रहे हैं कि मंगवाएं या ना मंगवाएं, तो चलिए शायद आपका फैसला यहाँ पे अब थोड़ा सा आसान हो सकता है इनकी बात सुनने के बाद कि ये क्या कुछ कहना चाहते हैं, कैसे इनको अपने जीवन में लाभ मिला है बंसल जी का मार्गदर्शन जब से इनको प्राप्त हुआ है। तो चलिए बंसल जी, यहाँ पे वक्त हो गया है लोगों को बताने का कि किस तरीके से बहुत सारे लोग लाभान्वित हो रहे हैं बंसल जी का मार्गदर्शन लेकर, देखते हैं। क्या नाम है जी? नाम आपका? के एन चौधरी। कहाँ रहते हो? आईपी एक्सटेंशन। आईपी एक्सटेंशन। तो अब शुक्र आपको कितने साल से थी? इंजर तो बहुत दिनों से चला रहा था। बहुत दिनों से थी ना? किडनी में भी इफेक्ट आ गया था ना आपके? अभी आया था, तो दो दिन पहले। अच्छा अच्छा, अब कितने दिन से दवाई खा रहा हूँ? पहले आया था, दवाई तो खा रहा हूँ, बहुत एलियोपैथिक भी खा रहा हूँ, ये भी खा रहा हूँ। कितने दिन से खा रहे हो दवाई? आपका दवाई तो अगस्त के बाद सेप्टेम्बर से चल रहा है, छः महीने से। हाँ, छः महीने। कितना आराम है वो? कितना आराम के आराम तो उसमें शुगर था तो ऑटोमेटिकली आ गया। शुगर तो 100 के करीब होता था पहले, 100-110 अब तो काफी नॉर्मल पे आ गया है। किडनी भी बोर्ड में आ गया है, किडनी भी 1.58 था तो हो गया है 1. वो भी 1 से भी कम हो गया था। अच्छा अच्छा, अब 20 महीने बढ़ गया है 1. किडनी भी आराम पड़ गया ना जी? हाँ, चलो बहुत अच्छा। दर्शकों आप सभी ने खुद ही सुना है, यहाँ पे वो अपना भी बता रहे हैं किस तरीके से उनका शुगर 100-110 के आसपास रहता था और अपना भी अब नॉर्मल पे आ गया है। अब मत सोचिएगा बिल्कुल भी, क्योंकि यहाँ पे नंबर्स आपके सामने आपके स्क्रीन पर लगातार फ्लैश कर रहे हैं। फैसला जल्दी से आपको लेना है बंसल जी, यहाँ पे हम देख रहे हैं। क्या शुगर 200-250 रहती थी तो अब 110 रहने लगी, तो कि इनको कम सुनाई देता था, बताने में थोड़ा परेशानी थी। तो इनकी जो शुगर थी 300-350 के लगभग रहती थी, 200 से कम आती ही नहीं थी। अब 100-110 रह रही है, मतलब 5-6 महीने से लगातार। और जो इनका क्रिएटिनिन था वो बढ़िया रहता था, बहुत ही 5.1 था, 5.2 तक था, अब वो 1.3 या 1.1 से भी कम आ गया। तो ये नॉर्मल ही रह रहा है, क्योंकि इनको कम सुनाई देता था, जो इनकी मैसेज बता रही थी, जो रिपोर्ट था, तो उससे बहुत ही शरीर में एनर्जी का लेवल बहुत बढ़िया, क्योंकि 8-9 महीने से लगातार कर रहे थे, क्योंकि डायबिटीज की दवाई खाते खाते इनकी किडनी खराब हो गई थी, क्योंकि क्रिएटिनिन बहुत बढ़ गया था। इन्होंने तो डॉक्टरों ने तो डायलिसिस की बोल दी थी, लेकिन ये तुरंत हमारे पास आ गए। जैसे ही उनकी किडनी खराब होने लगी तुरंत हमारे पास आए, और जब हमारे डॉक्टरों ने पूरा इनका पूरा चेकअप करके इनको पूरी दवाई दी, तो आज ये बिल्कुल ठीक है। इसलिए हमने पूछा इनसे भाई कितना लाभ है, लेकिन क्या था ये समझ नहीं पाते थे, क्योंकि भाषा इनकी दूसरी थोड़ी सी, तो उसके कारण ही हो गया। तो अब इनकी जो डायबिटीज़ है वो 100-125 के लगभग रहती है, इससे ऊपर बढ़ती ही नहीं है। और जो किडनी थी वो भी बिल्कुल ठीक होती, जो क्रिएटिनिन इनका 5-6 था वो 1-2 यही रहने लग गया, और कई बार 1 से भी कम नीचे आ जाता है। अब वो थोड़ा सा बढ़कर 1.4 आ गया था, जो कह रहे थे भाई अब थोड़ा सा ये बढ़ा है हल्का सा, तो इन्होंने क्या है कि बदबरेजी कर दी थी, तो उसके कारण ये हो गया था। लेकिन इनको लाभ बहुत आराम है, पहले ये चल पा नहीं पाते थे, अब चल के खुद आते हैं। बिल्कुल बंसल जी, और यहाँ पे दर्शकों आप सभी ने सुन लिया है, अगर इसी तरह से आप भी बंसल जी का मार्गदर्शन लेना चाहते हैं, नंबर्स आपके सामने हैं, वैदिक उपचार किट आपके सभी रोगों को दूर करने में सहायक सिद्ध होती है। बार बार, एक बार नहीं, बार बार इस बात को हम बता रहे हैं, क्योंकि दर्शकों हम जानते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी को ऐशो आराम के साथ जीना चाहते हैं, लेकिन बीमारियों के चलते इंसान अपनी ज़िंदगी को जिंदा दिली के साथ जीना भूल जाता है। लेकिन अगर आपको जीवन में मिल जाए सही मार्गदर्शन, तो आप सभी को पता चल सकता है कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। बंसल जी, इसी तरह से अगली कॉलर हमारे साथ लाइन पर हैं, मनप्रीत जी हैं भटिंडा से, बात करना चाहेंगे, स्वागत है आपका, बताइएगा। हेलो हेलो, आपकी आवाज काफी कम आ रही है, ऊंचा बोलिएगा थोड़ा सा। हेलो डॉक्टर, सत श्री अकाल। हां सत श्री अकाल सर। हां सत श्री अकाल सर, बताएं बताएं। हां जी, मानसा से बोल रहे हैं, मानप्रीत सिंह जी। हां बताएं सर, वेलकम। हाँ जी सर जी, मेरी मित्र जो अपना 22 उम्र, उसकी पहले जब उसकी शादी हुई थी वो 56 वजन था उसका, जी अब उसका 80 है जी। हाँ तो खुशी में बढ़ गया ना, आपके आपके घर आने के बाद खुशी खुशी में बढ़ गया, उनका क्या परेशानी है? नहीं
नहीं हो सकती है थायराइड की प्रॉब्लम, पर हमारा वैदिक उपचार किट अपने आप ठीक करता चला जाएगा, क्यों चिंता करो, आपको तो पता ही है। वो पूरा मंगाओ और इनका लग के कोर्स कराओ सर, क्योंकि 22 साल एज है ना, ज्यादा वेट बढ़ना खतरनाक होता है, तो इसका पूरा इलाज करा, लग के कराना और छोड़ना मत 5-6 महीने तक, बहुत ही अच्छा इफेक्ट है। तो हमारे जो नीचे नंबर चल रहे हैं, इसमें पूरी डिटेल बता देना मिसिज के बारे में, तो उसी के अनुसार फिर किट बना के उसकी इनकी भेजेंगे, जो मोटापे को ठीक करने में सहायक सिद्ध होगी। बिल्कुल, तो यहाँ पे आपने सुना है मनप्रीत जी, अगर वाइफ मोटी हो गई हैं तो कैसे वो पतली हो सकती हैं, यहाँ पे आपने जान लिया है। अच्छा बंसल जी, एक बात बताइए, मोटापे की जो दवाई के बारे में आप बात कर रहे हैं, मोटापा तो किसी को भी हो सकता है, और मोटापा एक ऐसी परेशानी है जिसका कोई भी शिकार हो जाएगा, तो क्या कोई भी ले सकता है उस दवाई को? हाँ नहीं, वो तो वेट की तो बहुत ही जबरदस्त, उसमें क्या योग करने, क्या प्राकृतिक चिकित्सा करनी है, क्या क्या, वो पूरा उसका समावेश करके हम डिटेल करके भेजते हैं, तो वेट बिल्कुल धीरे धीरे कम होने लग जाता है। चलिए बंसल जी, इसी के साथ अगले कॉलर से बात करेंगे। निशा जी हैं भिलाई से, स्वागत है आपका, बताइएगा। हेलो। हेलो, हाँ निशा जी बताएं। नमस्कार बंसल जी। हाँ नमस्कार जी निशा जी। सर मेरे को अपनी सिस्टर के बारे में थोड़ा फोन के मुंह लगा कर बात करें, या थोड़ी सी आवाज तेज कर दे फोन की। हाँ जी सर, मेरे को ना अपनी सिस्टर के बारे में पूछना था। क्या कि ना उसका जो चेस्ट है ना, बहुत मतलब कम है, मतलब उसका डेवलप नहीं हो पाया है, उसकी उम्र 22 साल है। हाँ जी हाँ। तो वो चेस्ट डेवलप कर, अरे तो उसकी तो 1% भी चिंता मत करो, बच्चे के लिए 1% भी चिंता मत करो। सर मैंने आपके संस्था में कॉल किया था इसी के लिए, तो इसके लिए बोल रहे थे कि कुछ मतलब मेडिसिन नहीं है, तो प्लीज आप बताइए, उसकी शादी भी होने वाली है। नहीं, ब्रेस्ट के लिए ना। हाँ जी। नहीं है, क्यों नहीं है, वो उनको पता नहीं होगा, लड़का नया होगा बेचारा, तो एक बार फिर फोन करो एक बार दोबारा, तो उसका तो पूरा सेट आता है हमारे यहाँ, है क्यों नहीं है, कितनी बच्चों की ब्रेस्ट जो नहीं बढ़ती थी बढ़ गई, तो उसका पूरा सेट मंगाओ, है उसको पता नहीं होगा, वो नया लड़का होगा, एक बार फिर दोबारा फोन करो, तो उसमें पूरा सेट भेजेंगे, उसका चिंता छोड़ दो उसकी, तो हाँ पूरा उसमें रहता है, तो एक बार फोन करके फिर बात करो एक बार। चलिए आपने सुन लिया है निशा जी, आपको क्या करना है दोबारा से फोन कर सकती हैं, और दर्शकों इसी तरह से अगर आप भी परेशान हैं अपनी चिंताओं को लेकर, अपने शरीर को लेकर, अपने शरीर को आप भी स्वस्थ रखना चाहते हैं, देर मत कीजिएगा, नंबर आपके सामने है, इस नंबर पे फोन करके आप भी जानिए कि आपकी चिंताओं का, आपकी परेशानियों का क्या इलाज है बंसल जी के पास। और फिलहाल दर्शकों इसी के साथ वक्त हो चला है यहाँ पे अगले दर्शक को सुनने का, जो बंसल जी के पास आए और उन्होंने पूरा लाभ उठाया, क्या थी इनकी परेशानी जानेंगे खुद ही। आप कहाँ से डॉक्टर साहब? मैं डिस्ट्रिक्ट सोलन जी। विलेज गांधी ग्राम से हूँ। हाँ जी, और ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। तो हमारी दवाइयाँ कब से यूज कर रहे हो डॉक्टर साहब? तकरीबन मैं खुद तो बहुत कम की जी, पर रोगियों को मैंने कम से कम 100 से अधिक रोगियों को करवा दिए। अच्छा जी, 100 से पड़ा जी उससे? बहुत ज्यादा फर्क पड़ा, और मैं जैसे आपको मैंने अभी बताया कि मैं पेशेंट लेकर के, 9 पेशेंट थे टोटल, 21 आदमी थे, तो चंडीगढ़ आया था लेकर के, गुढ़ाल भवन में आपका था कार्यक्रम 5 दिन का, तो कोई बात नहीं बनी, मेरा बेटा भी डॉक्टर है, मेरे परदादा जी और दादा जी भी डॉक्टर, आयुर्वेदिक डॉक्टर, ओनली ओनली वैद्य, उसमें वैद्य होते थे कुछ नहीं होता था, नब्बे से देखते थे, तो पूरी तरह से मतलब। और एक बात और बताऊं कि 11वीं पीढ़ी मेरे पोते पोतियों की चल पड़ी, किसी ने मीट मर्ची जंजा शराब नहीं खाया पिया, इतना मुझे याद है जो मुझे दादाजी बताते थे, और उनसे मैंने कुछ ज्ञान लिया, बाकी हमने तो फिर ट्रेनिंग की, बेटे ने तो स्पेशलिस्ट भी है पंचकर्मा में, पर वो राजनीति में चले गए। अच्छा जी। तो आजकल वो स्वामी रामदेव जी के यहाँ योगा में गए हुए हैं। अच्छा, वो हर 3-4 महीने बाद आते हैं वहाँ, उनसे भी अच्छी बात है। शुगर वालों को तो बहुत आराम पड़ा जनाब, जिन्होंने रेगुलर दवाइयाँ खाई उनको बहुत आराम पड़ा। अच्छा जी। हाँ जी। और थायराइड वाला के जो? थायराइड वालों को 4 पेशेंट बिल्कुल ठीक हुए हैं। अच्छा जी। हाँ जी। पूरा बिल्कुल, मैंने उनको पूरा वो भी बताया जो आपका आटा दाल चावल जो भी आप लिखते हैं पढ़ते हैं उसका मैंने पूरी तरह, आपसे फेस टू फेस बात नहीं हुई है, मेरा सख्त इतराज भी रहा। मैं कह अब जो इंसुलिन लेते थे वो भी बिल्कुल बंद हो गई, डॉक्टर साहब इंसुलिन बंद हो गई। अच्छा जी। हाँ, कई पेशेंटों की बंद हो गई, मेरी 5 रहेगी बेटे के पास, वो चलेगी, बच्चे भी, और आजकल छुट्टियां है ना जी, तो हमारी पुत्र वधु भी चलेगी, वो भी चलेगी, फाइल उनके, मैं तो पूरी फाइल लानी थी आपको। अच्छा, इंसुलिन बंद होगी पेशेंट की, इंसुलिन बंद होगी ये तो मेरी गारंटी है। अच्छा, हाँ मैं झूठ क्यों बोलूंगा, ठीक है जी, समझे ना जी, डॉक्टर साहब बहुत बहुत बढ़िया। और आप क्या मैसेज देना चाहेंगे वैदिक उपचार के बारे में? मैं तो ये कहना चाहूंगा कि ये पोस्ट दर पोस्ट युगों युगों तक चलना चाहिए, और क्योंकि आपका टीवी में प्रोग्राम आता है कि अभी बहुत ही गरीब हो तो उनका हम फ्री बीमा करते हैं, कुछ वो अपना योगदान करें,
तो आपका जो हमें टीवी पर ही अच्छा, आज तो मैं फेस टू फेस आपसे बात कर रहा हूँ, मैं बड़ा सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ। इसीलिए मैं अपने अपने एक मित्र का 7 साल के बच्चे को लेकर के आया हूँ, इसको शुगर है काफी ज्यादा। इंसुलिन लगती है 4 बार। अच्छा अच्छा, आप इनके पापा हो जी? दादा जी, दादा जी हो। अच्छा अच्छा, कहाँ रहते हो आप? मैं जी धर्मपुर, धर्मपुर सोलन के पास ही। चलो बहुत अच्छा। दर्शकों, क्या आपको अभी भी लगता है कि हमें कुछ कहने की ज़रूरत है? डॉक्टर खुद यहाँ पर चलकर बंसल जी के पास आए थे और उन्होंने बताया, वो पेशेंट्स को लेकर आए थे। और अगर डॉक्टर खुद इतना ज़्यादा बेबस हो जाए, लाचार हो जाए कि उसे पेशेंट्स को लेकर कहीं और जाना पड़े, तो समझ जाइए वहाँ पर जाने के बाद और उसका इलाज हो जाए, उसके पेशेंट्स का इलाज हो जाए, तो संभव सी बात है दवाइयाँ असर करती हैं। क्योंकि दवाइयों के साथ यहाँ पर बंसल जी आपको बहुत सारी दुआएँ भी मिल रही हैं लोगों की। देखो, अब ये खुद डॉक्टर थे, ये हमारा इलाज करवा रहे हैं लोगों को, कितना धर्म का काम करें, धर्म का ही काम है। मतलब इन्होंने ईगो बिल्कुल भी नहीं रखी, ईगो 1% भी नहीं रखी, तो हमारी दवाइयां दे रहे हैं, कितनों की इंसुलिन छूट गई। अब वो ये कह रहे थे भी मैं तो इसलिए लिया है बच्चे को, आपके आशीर्वाद से ये ठीक हो जाएगा। मैं कहा नहीं डॉक्टर साहब, आपने तो पता ही है ये ठीक आपके आशीर्वाद से भी होगा। तो अब वो बच्चे को ले आए थे, देखो कितना छोटा बच्चा, इंसुलिन लग रही है। और हमारे पास कितने बच्चे ठीक हो गए, हम तो कहते नहीं, दिखाते नहीं थे ना पहले टीवी पर, हम तो दिखाने लग गए। अब हम इसलिए दिखाने लग गए कि लोगों को विश्वास ही नहीं होता था कि ये ठीक हो जाते। मैं कह रहा हूँ कितने जबरदस्त ठीक होते, पूछो मत। और कितनों का देखो इंसुलिन इन्होंने छुड़वा दिया, जो हमारी दवाइयाँ ले रहे थे, कितने मंगवा रहे थे, इतना इफेक्ट पड़ता है। सोलन से हिमाचल से आए थे, आपको आपके सामने है खुद। और जबकि हमारी तो कभी मेरी इनसे तो बात भी नहीं फेस टू फेस। तो मैं कहता हूँ ये आपके विश्वास और श्रद्धा का है, जब तक वो नहीं होगा कुछ भी नहीं होगा। इसलिए मैं कहता हूँ वैदिक उपचार किट जो हमने एक बीमारी के लिए ट्रायल पैक दिया, सिर्फ 1500 रुपये का, एक बार मंगा कर देखे, लाभ मिले तो आगे बढ़े, ना तो बंद कर दे, कोई आफत तो है नहीं। लेकिन 3 महीने एक बार इलाज करके देखे, जो आप इतने दिन से दुखी हो, परेशान हो, इसलिए हमने ये 1500 का किया है ना, तो हमारी दवाइयाँ महंगी थी, सब ने पता है। तो इसलिए एक बार 1500 रुपये का किट जो हम बेचते, इसमें पूरा एक तरह से हर चीज़ का समावेश। हम ये नहीं कहते कि हम रोगों को, हर एक रोग को ठीक करने का दावा हम बिल्कुल आज तक जिंदगी में ना किया ना करते हैं। जी बंसल जी, और इसी के साथ अगले कॉलर से बात करेंगे। सीमा जी हैं कांगड़ा से, स्वागत है आपका, बताइएगा। हेलो। हेलो, हाँ सीमा जी। हाँ नमस्कार डॉक्टर। हाँ नमस्कार सीमा जी, बताएं। डॉक्टर जी, मैं ना, मेरे को गैस की प्रॉब्लम बहुत है। हाँ जी। हाँ, तो गैस सर को जाती है, तो ऐसे जैसे मेंटली फील करती हूँ। हाँ जी। तो सर भी भारी रहता है, काम में भी मन नहीं लगता, और इतनी ज्यादा गैस बनती है कि मेरे को गैस ने बुरी तरह जकड़ रखा है। ना, ना, तो मैं 5 साल से एलोपैथिक दवाई लगातार 6 गोलियां खा रही हूँ। हाँ, 3 सुबह 3 शाम को। ठीक है। तो मेरे को दिल इतना कमजोर हो गया, उसकी वजह से मैं कहीं आ जा नहीं सकती। तो यानी कुल मिलाकर ये कहना है दवाई खाते खाते हालत बुरी हो चुकी है आपकी, ये कह रहे हो ना? हो चुकी है, मैं इसको छोड़ना चाहती हूँ। हाँ छोड़ दो बिल्कुल, क्या जरूरी है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो वैदिक उपचार किट पूरा मंगवाना, और लग महंगे वाला मंगवा लेना, आप सस्ते वाला मंगवाना ही मत, तो पूरा महंगे वाला मंगवाना, और बहुत ही अच्छी तरह इलाज करना, लग के इलाज करना। जो जो इसमें हम गर्म ठंडी पट्टी भेजेंगे वो पूरा बताएंगे, और कैसे आपने योगा करने, कौन सी आभा मंडल की क्रिया करनी है, पूरा लिख के आएगा आपके लिए। तो ये पूरा एक तरह से पूरा समावेश हम करके भेजेंगे, और आपकी बीमारी के अनुसार, और 3 महीने में आप बताओगे कब्ज, गैस, एसिडिटी कहाँ गायब होगी, आप खुद बताओगे हमारे को। अभी तो 5 साल हो गए, 5 साल में और बीमारी बढ़ गई, हार्ट भी कहीं जाने आने के लिए परेशान हो गए। इसलिए मैं इसीलिए तो हमने ये 1500 का किट बनाई है, लेकिन आप 1500 के चक्कर में, तो क्यों, तो ट्रायल पैक है एक बीमारी का, और ये पूरा सेट मंगाना और लग के कोर्स करना। आशा जी, मैं कह रहा हूँ आपकी आशा टूट नहीं पाएगी। बिल्कुल बंसल जी, सीमा जी यहाँ पे आपने सुन लिया है कि आपको लगकर कोर्स करना पड़ेगा, और जब आप इतनी सारी दवाइयों का सेवन कर चुकी हैं और उसके बाद भी लाभ नहीं मिला है, तो चलिए बंसल जी से बात अगर आपकी हो गई है, बहुत बड़ी बात है ये, और इस बात को यूं ही मत ज़ाया होने दीजिए। जल्दी से आप नंबर्स पर फ़ोन करके आज ही अपनी किट मंगवाइए और उसका सेवन करना शुरू कीजिए, और अगर ईश्वर ने चाहा, आपकी श्रद्धा रही, तो मात्र 3 महीने में आपको रिजल्ट दिखने भी शुरू हो जाएंगे। फिलहाल इसी के साथ अगले दर्शक की बाइट सुनने का वक्त हो चला है। यहाँ पे जानते हैं कि कैसे इनके शरीर में बीमारी थी, रोग थे, और अब ये कैसा महसूस करते हैं बंसल जी का मार्गदर्शन लेने के बाद। क्या नाम है जी आपका? गुरमेल सिंह।
मैं जिला अम्बाड़ा में रहता हूँ, गांव कलावर। अच्छा, क्या तकलीफ थी आपको? मेरे को हार्ट अटैक हुआ था 24 अगस्त को जी, और उस समय मेरे को शुगर भी बहुत हो गई थी एकदम से जी। हॉस्पिटल में एडमिट रहा मैं मेट्रो फरीदाबाद में एक हफ्ता जी। तो उसके बाद मेरे को छुट्टी मिली जी। उसके बाद उन्होंने इंसुलिन मेरा शुरू कर दिया, शुगर का इंसुलिन लगाने के बाद खाना खाता था। अच्छा जी, तो हमारी दवाई कितने महीने से ले रहे हो? तो आपकी दवाई फिर मैंने मंगाई 6-12 को। अच्छा, 3 महीने लगभग खाई? एक महीने ही खाई, एक महीने में ही मेरे को इंसुलिन तो बंद हो गया पहले महीने में। अच्छा, इंसुलिन पहले पहले 10 पॉइंट लगाता था जी। उसके बाद 8 कर दिया, फिर 6 करा, फिर 3 करा लास्ट में 29 दिसंबर को। अच्छा जी, तो फिर भी सबको डाउन हो गया, तो बंद करना पड़ा एकदम से। अच्छा जी, इंसुलिन बंद हो गया। गोली जो दूसरी थी चेक, कौन सी गोली थी चेक? शुगर की गोली रह गई थी वो खाता था जी। अगले महीने में शुगर ज्यादा डाउन होने लगी तो वो भी बंद कर दी। अब शुगर मेरी नॉर्मल रहती है, शुगर में कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, ताकत कितनी बड़ी थी? ताकत बहुत आई पहले महीने में ही। अच्छा, बहुत आई। अच्छा, जो हार्ट की तकलीफ थी आपके, हार्ट का क्या था? हार्ट की मैंने दवाई मंगाई है 6-2 को। अच्छा, मतलब 2 महीने एक भी ना खाई है? नहीं, अभी महीने नहीं, 16-17 दिन हुए, 20 दिन। हार्ट ठीक लग रहा है अभी तो, इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता जब तक मेरे को पता है। अच्छा, तो ना, सांस तो नहीं पहले महीने की? चलो बहुत अच्छा जी। शुगर के लिए तो बहुत ज्यादा फायदा हुआ, इंसुलिन तो लीवर किडनी भी खराब करता है, उससे प्रॉब्लम भी काफी होती, लेकिन अब इंसुलिन बंद हो गया तो खाना खाने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। अच्छा, और आप रहना भी ठीक हो? हाँ जी, अब इजिली खाना खा सकते हैं कभी भी विदाउट इंसुलिन। अच्छा, बंसल जी, हम सुन रहे हैं लोग कैसे अपना फीडबैक दे रहे हैं, बता रहे हैं कि इंसुलिन बंद होने से उनको कितना ज़्यादा लाभ मिलने लगा है। बंसल जी, ये जो इंसुलिन होती हैं, ये जो दवाइयाँ हम एलोपैथी दवाइयाँ लेते हैं, क्या ये हमारी किडनी पर, हमारे शरीर पर बुरा असर डालती हैं? नहीं, उससे किडनी धीरे धीरे खराब ही होने लग जाती है। ये तो मैं करूँ बहुत ही ज़बरदस्त इफेक्ट आता है अभी तो, दुख लोग बागों को इसीलिए मिलवाने लग गए। अभी पंजाब से आया था, डॉक्टरों ने तो हालत बुरी बड़ा बता दी थी भाई, इंसुलिन इसकी बढ़ सकती है, घटेगी नहीं, हार्ट की और बीमारी होगी थी, हार्ट का तो ऑपरेशन ही कराने ही कह रहे थे। मैं कहा भैया रुक जा, तू चिंता छोड़ दे, और कह रहा था जी मेरी इंसुलिन छुटवा दो। मैं कहा भैया चलते ले, भगवान का अगर आशीर्वाद रहा तो तेरी इंसुलिन छूटी जाएगी, और कम भगवान ने भी कैसे चमत्कार किया हमें भी नहीं पता, एक के भी में इंसुलिन छूट गई। देख लो कितना इफेक्ट आ गया, आपके सामने है, लड़का भी उनका साथ था, खाना नहीं खा पाते थे, हालत बुरी हो रही थी, हालत बुरी हो चुकी थी इस आदमी की, तो कह रहा थी खाना ही नहीं खा जाता, पहले इंसुलिन बाद में इंसुलिन, अब मैं तो दुखी हो गया, इतना बहुत परेशान हो गया, और हार्ट की बीमारी चलिया फिर नहीं जाता, अब चलने फिरने में सांस चढ़ते रही। अब मैं इसलिए मैं लोगों को दिखाने का मेरा हमारा मेन मकसद यही है कि आप समझ जाओ, जो आप इतनी दवाइयों के साइड इफेक्ट कर रहे हो और ये कर रहे हो वो कर रहे हो, और लोभ में मत पड़ो। मैं तो इसलिए तो 1500 का ये ट्रायल पैक एक बीमारी का लिए भी भेजा है, मगर एक बार यूज़ करके देखे, अरे पैसा यहीं रह जाएगा, पैसा कहीं नहीं जाना, यहीं रह जाएगा, फिर बाद में पछताता रहेगा आदमी, इसलिए वो गया ये क्या हुआ। तो इसलिए मैं कहता हूँ 1500 का ट्रायल पैक है, अरे इसमें कोई बचत नहीं है, मैं वाकई में नहीं बचत है, इसलिए मैं दे रहा हूँ लोगों को। ये जो इतने दुखी हैं, इतनी बीमारियों के जंजाल में जो फंस जाते हैं, उसको कैसे निकाला जाए, क्योंकि योग प्राकृति चिकित्सा आयुर्वेद और जो वैदिक मंत्रों का इसमें अनूठा संगम है, जो आपकी बीमारी के अनुसार एक बीमारी के अनुसार ट्रायल पैक हम 1500 का दे रहे हैं, इसीलिए दे रहे हैं कि लोग बाग एक बार इसकी तरफ बढ़े तो सही, और जो ये बीमारियाँ घातक हो रही हैं, इतनी बुरी स्थिति कंडीशन कर रही है, इससे कैसे बचा जाए। अब यहाँ पे वक्त हो चला है आपको एक और ऐसे दर्शक से मिलवाने का, उनकी कहानी सुनाने का, जिन्होंने बंसल जी के पास आके अपना इलाज कराया और कैसे लाभ उठाया, जानेंगे खुद ही नहीं से। क्या नाम आपका? शालिनी श्रीवास्तव। कहाँ रहते हो शालिनी जी? लक्ष्मी नगर। क्या तकलीफ थी आपको? मैं घुटनों में थोड़ा पेन होने लगा था, तो फिर मैंने सलाकी का जूस, आपके टीवी में ऐड देखती थी, सलाकी का जूस मंगवाया था, तो उसका उसको पिया, फिर मैंने उससे सही हो गया मेरा। दर्द बिल्कुल गायब हो गया? हाँ जी, 8-10 दिन में सही हो गया था। अरे बहुत अच्छा। आप क्या कहोगे जी, और क्या क्या उपाय करते हैं हमारे? हम लोग जो है हल्दी दूध पीते हैं, हल्दी डाल के, और जो तेल का आप बताते हो नेल्स पे लगाना बोला, अच्छा अच्छा, उससे काफी। मैंने दिया भी लगाया था फिर 43 दिन वाला आपका। क्या फर्क पड़ा? इनकी जॉब छूट गई थी बीच में, तो वो 20 दिन में फिर लग गई थी, और फिर फॉरेन भी इनका टूर लग गया। अच्छा, फॉरेन टूर लग गया? हाँ जी। अरे वाह, यानी बहुत लाभ मिला आपको, कितना लाभ मिला उससे? नहीं, फिर उसके बाद सब अच्छा ही हुआ है। अब भैया की अब क्या 1 साल बाद फिर लगा सकते हैं? हाँ, 1 साल बाद फिर लगाना, वो तो ठीक है। चलो बोलो, बहुत अच्छा। दर्द बिल्कुल नहीं है ना तो शरीर में?
नहीं घुटनों में तो नहीं है, अब वो नहीं बस दबाते हैं तो या जैसे यहाँ दबाती हूँ तो फिर वो तो ठीक है, डकार आती है ना आपको, उसकी आप दवाई दे देंगे तो ठीक हो जाओगे तुम, ठीक है, पेट गड़बड़ हो जाता है जल्दी। चलो बहुत अच्छा। आज के इस बदलते परिवेश में खतरनाक बीमारियों से बचने और सावधान रहने के लिए वैदिक उपचार के शिविर अभियान में योग, आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सा का अनूठा संगम देखने को मिला। जो मैंने अपने अनुभव किया है कि अधिकतर तो रोग मानसिक रोग हो जाते हैं, अधिकतर रोग आर्थिक परेशानी के कारण हो जाते हैं। आदमी कहता है मेरे को आर्थिक परेशानी रहेगी तो उससे जूझता रहेगा, तो दिमाग में वही टेंशन बनी रहेगी। मान लो लड़की की शादी करनी है और घर में पैसे नहीं है तो क्या होगा, वो थोड़े दिन में हट की उसको ऑटोमेटिकली बीमारी आने लग जाती है, क्योंकि घबराहट होने लग जाएगी, पैसे नहीं है भाई, समाज में कैसे बात होगी, कैसे मैं करूँगा, ये कैसे करूँगा, वो कैसे करूँगा। तो 24 घंटे रात को सोते भी उसको वही थॉट आते रहते हैं, तो यानी आर्थिक परेशानी के कारण भी उसको बीमारी आ जाती है। और जो हमारा मेन मकसद यही है कि आर्थिक और मानसिक और शारीरिक परेशानियों को कैसे दूर किया जाए। दुनिया जैसे जैसे मॉडर्न होती जा रही है, जैसे जैसे उसके तौर तरीकों में बदलाव आता जा रहा है, वैसे वैसे बदल रही है बीमारियां। बीमारियां तेजी से अपने पैर पसार रही हैं। सर में कई तरह के दर्द, चक्कर आना, जोड़ों में दर्द तो जैसे आम बात हो गई है, लेकिन वैदिक उपचार ने इस धारणा को बदला है। वैदिक उपचार के शिविर में आए लोगों का क्या कहना है, आइए एक बार जान लेते हैं। जैसे टीवी में देखा इनका ये प्रोग्राम बंसल जी का, तो फिर मैंने बेटे को भेजा वहाँ, मैं तो खुद उस टाइम नहीं गई थी, इसको ही भेजा था, तो दवाई मंगवाई से। दवाई लेने से इतना ये फर्क पड़ा कि जो मैं बिल्कुल लेट नहीं पाती थी बिस्तर पे, दिन रात रोती रहती थी, पेन किलर खाती थी, तो उससे मुझे थोड़ा मतलब ये जो थोड़ी देर के लिए आराम पड़ जाता था, फिर पेन किलर नहीं खाती थी तो फिर दर्द बढ़ जाता था। तो इस दवाई से ये हुआ कि जो पेन किलर थी तो बीच में वो छूट गई थी, मेरी पेन किलर छूट गई थी। वैदिक अमर अमृत जो स्पेशल वाला है वो मैं ले रही हूँ, उससे भी मेरे को बहुत अच्छा हुआ। मैंने अपनी मम्मा को आर्थराइटिस था, उनको शलाकी का जूस वगैरह भी सारा कराया, उससे बहुत फ़र्क पड़ा। मेरा शोल्डर फ्रोजन हो गया था और डॉक्टर्स कह रहे थे कि आप कभी भी ना उठा नहीं पाओगे अपने बाजू, तो मैंने लहसुन का दूध रेगुलर लिया जैसे जैसे डॉक्टर साहब ने बताया था टीवी के माध्यम से, तो मुझे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा। अब तो आप समझ ही चुके होंगे कैसे लाभ पहुंचाता है वैदिक उपचार सेट। तो आप भी आज ही वैदिक उपचार के डॉक्टर से फोन पर सलाह लें और अपनी किसी भी बीमारी से संबंधित वैदिक उपचार सेट मंगवाएं। सतीश मेहरा सर, पंजाब से हूँ, बहुत अच्छा लगा सर जहाँ के, मुझे शुगर की प्रॉब्लम थी, मैं उसकी वजह से आया हूँ जहाँ पे। इन्होंने लिखा बताया है कि हम दिल्ली से आपको दवाई भेजेंगे कुरियर करके जी, बाकी मैंने शुगर चेक कराई है इनका, मैं 1.5-2 साल से प्रोग्राम टीवी पे आता है वो देख रहा हूँ, जैसे दूध में हल्दी डाल के पीना, गर्म पट्टी ठंडी पट्टी बांधना पेट पे, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैं तो चाहता हूँ इनका हर महीने जहाँ चंडीगढ़ में शुगर लगना चाहिए, हो सके तो पंजाब में भी डिस्ट्रिक्ट हुशियारपुर में लगना चाहिए, इनका शिविर लगना चाहिए। मैंने ये इनका प्रोग्राम देखने और इनको मिलने के लिए, कि टीवी पर तो इनको देखते ही हैं, इनको मिलके इनसे परामर्श करके फिर आगे से काम, इनसे दवाइयाँ लेने के लिए अब इनको कह दिया है, ये दवाइयाँ भेज देंगे। वैदिक उपचार सेट आपकी हर बीमारी को ठीक करने में सहायक है, एक बार जरूर मंगवाए। हम डिस्ट्रिक्ट लुधियाना से आए हुए, मैं हो गया 1 साल हो गया भैया देखते हुए, पहले मेरे को जो एंड प्रॉब्लम थी वो भी ठीक हो गई बिल्कुल है, और बेटा कुछ माड़ा मोटा खा पी लेता था वो भी ठीक हो गया। जो रूटीन में हमारे डाइटिक इनकम्पैटिबल रिलेशनशिप है, जो हमारे विरुद्ध आहार हैं, उसकी वजह से लोगों की प्रॉब्लम्स ज़्यादा हैं। हमारे जीवन शैली के साथ साथ आयुर्वेद को अपनाया नहीं गया है, जिसकी वजह से कई व्याधियाँ अपने आप जन्म लिया है और रोगियों को उसका ज्ञान नहीं है, और चिकित्सक के पास आते हैं तो उसको उनको संबंधित मदद मिलती है, तो वो उस बीमारी से निकलने में उनको सहायता मिलती है। इन्हें हर चीज़ जो ये कहते हैं हर चीज़ बहुत अच्छी, जो घरेलू उपचार दसते हैं ना, घरेलू नुस्खे दसते हैं, जिमें धनिया हैगा भी उसका पानी पीना, या नहां ते तेल लाना, हल्दी वाला दुध पीना, ठंडी पट्टी बंधनी, ठंडी पट्टी भी मैंने मंगवाई हुई है। योग, प्राकृतिक चिकित्सा एवं आयुर्वेद शिविरों का लाभ उठाएं आज ही। अपने रजिस्ट्रेशन के लिए फोन करें 9266300600।
इन्हीं सब बातों के साथ कार्यक्रम में लगाएंगे विराम। इसी वादे के साथ कल होगी फिर से मुलाकात, तो देखना मत भूलिएगा अपना बेहद खास कार्यक्रम स्वास्थ्य संजीवनी। जाने से पहले बंसल जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू, थैंक यू, नमस्कार।